हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो देखिए, लास्ट वीडियो हमने किया था समायोजन, जिसमें हमने ये देखा था कि एक व्यक्ति जो कि अपने वातावरण के साथ जो है समायोजन स्थापित करने के लिए उसके सामने बहुत सारी जो है वो परिस्थितियाँ आती हैं, और उन परिस्थितियों को, बाधाओं को, समस्याओं को पार करके खुद को जो है उसके अकॉर्डिंग ढालता है। ठीक है, तो वही था समायोजन। लेकिन जब व्यक्ति इन कार्यों को नहीं कर पाता है, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है वातावरण के साथ अपनी आवश्यकताओं को लेकर, तो वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। ठीक है, जो कि समायोजन के विपरीत है। तो आज हम यही करने वाले हैं कि एक असमायोजित व्यक्ति जो है, जो कि समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है, तो किसी न किसी मानसिक रोग से जो है वो पीड़ित होता है। ठीक है, उसके कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वह भी कम होती है, उसके जो इमोशन होते हैं संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं। ठीक है, अपने संवेगों पर वो काबू नहीं कर पाता है। ठीक है, और जिस वजह से तनाव, दुश्चिंता, भग्नाशा, कुंठा, दबाव, ये सभी जो हैं कुसमायोजन के परिणाम है, और इनका शिकार हो जाता है। ठीक है, जो हम टेंशन में रहते हैं, तनाव की स्थिति में रहते हैं, तो वो यही है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर वातावरण के साथ हमारा जो है तालमेल नहीं बैठ पाता है, तब हम टेंशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कुसमायोजन अंग्रेजी शब्द माल एडजस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बुरा समायोजन, यानी कि असमायोजन, या हम इसको कुसमायोजन कहते हैं। तो ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक विकार होता है। कुसमायोजित व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं रहती हैं? सबसे पहला है कि कुसमायोजित व्यक्ति किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित होता है, और इनमें कार्य क्षमता जो है वो कम पाई जाती है, यानी काम करने की कैपेसिटी जो है वो कम पाई जाती है, क्योंकि ये तनाव में रहता है। तो किसी भी काम को सही से करने या फिर उस काम को करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाता है। थकावट जो है उसके माइंड में रहती है, उसके शरीर में रहती है। ये संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं, अपने संवेगों पर जो है ये नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इनको गुस्सा आता है तो जो है गुस्सा वो दिखाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि उस परिस्थिति में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, या रोने की स्थिति होती है तो रो भी पड़ते हैं। तनाव, दुश्चिंता, भग्नाशा या कुंठा, दबाव और संघर्ष, ये सभी कुसमायोजन के परिणाम हैं। इनमें निर्णय क्षमता का अभाव पाया जाता है, कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते हैं, किसी भी कार्य को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं। हमेशा यही रहता है कि ये कार्य जो है वो सही रहेगा करने पर या नहीं सही रहेगा, इसी बीच में वो फंसे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति गुस्सैल होते हैं, घृणा, ईर्ष्या की प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है, तो कभी भी जो खुशी का माहौल होता है तो यहाँ खुश ये लोग जो है वो खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मानसिक रोगों से ये पीड़ित रहते हैं और टेंशन जो है वो हमेशा पाल के रखते हैं, तो इस वजह से खुश नहीं रह पाते हैं। ठीक है, समाज विरोधी व्यवहार करते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति जो है वो दुखी रहता है, हमेशा जो है वो दुखी दिखाई देता है, किसी भी समस्या को देखकर मानसिक संघर्ष के शिकार हो जाते हैं। तो कुसमायोजन का कारण ही यही है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको फेस ना करना और समस्या को अपने ऊपर हावी होने देना, जिससे कि मन में जो है द्वंद्व पैदा हो जाते हैं और ये मानसिक संघर्ष के शिकार हो जाते हैं। तो देखिए, कुसमायोजन के कारक या कुसमायोजन से होने वाले मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसकी बात हम करेंगे, और यहाँ से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले है तनाव यानी टेंशन। ये वही टेंशन है जब हमारा कोई भी काम जो है नहीं हो पाता है और हम चाहते हैं कि वो काम जो है वो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, तब हम जो है टेंशन का शिकार हो जाते हैं। यानी कि जब बहुत सारी सुख सुविधाएं जो हैं एक बालक को दे दी जाती हैं और उसको कहा जाता है कि अब जो है वो आपको तैयारी करनी है एग्जाम की और उसमें सफल होकर दिखाना है। ठीक है, तो समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी जब बालक ने अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं किया, तो बालक जो है वो
फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बालक की मानसिक स्थिति जो है वो तनाव कहलाती है। जब व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। जेम्स ट्रेवर का कहना है तनाव के बारे में कि सामान्यतः संतुलन के नष्ट होने की सामान्य अवस्था या दशा ही क्या है, तनाव है। गेट्स महोदय का कहना है कि तनाव असंतुलन की स्थिति है, यानी कि संतुलन का नष्ट होना उत्तेजक स्थिति के निराकरण हेतु प्राणी को तत्पर करती है। तो गेट्स जो है वो क्या कहते हैं कि तनाव जो है वह असंतुलन की स्थिति है, यानी व्यक्ति जो है उसके अंदर बैलेंस नहीं रह पाता है और उत्तेजक स्थिति के निराकरण हेतु प्राणी को तत्पर करती है। सी वी गुड का कहना है तनाव के बारे में कि तनाव के चार कारण होते हैं। दमित इच्छाओं का अधिक होना, यानी कि जो भी दमित इच्छाएं हैं उनका अधिक होना, और जिस वजह से मन में जो है वो टेंशन हो जाती है तथा उनको पूरा न कर पाना। तो व्यक्ति सारे दिन वो इसी बारे में सोचता रहता है कि हमारी जो इतनी इतनी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो इस वजह से वो टेंशन का शिकार हो जाता है। या फिर व्यक्ति जो है वो आर्थिक दृष्टि से यदि कमजोर है तो भी वो टेंशन में रहता है। कोई शारीरिक दोष जो उसके बॉडी में है, उसके शरीर में यदि कोई समस्या है तो भी वो टेंशन का शिकार रहता है। सारे दिन यही सोचता रहता है कि काश जो है ये बीमारी मुझे ना होती तो मैं ऐसा होता। ठीक है, सामाजिक अपमान जब हो जाता है, यानी समाज में उस व्यक्ति का यदि अपमान हो जाता है तो भी वह टेंशन का शिकार हो जाता है। तो सी वी गुड जो है वो क्या कहते हैं कि तनाव जो है उत्तेजना और असंतुलन की वह अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति को किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद देखिए दुश्चिंता या एंजाइटी, तो इससे जो है वो आप ऐसे लगा सकते हैं अर्थ डर या भय से। ठीक है, यानी हमने जो है वो पास्ट में कुछ इच्छाएं जो हैं, कुछ विचार जो हैं, जो कि हमने अपने अचेतन मन में ढकेल दिए थे, और अब वर्तमान में वही बातें वही चीज जो है वो सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी चेतन मन में आने का प्रयास कर रही है। तो हमें जो है वो भविष्य को लेकर जो है क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, डर हमें लगा रहता है, भय रहता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है जो प्रेजेंट में काम कर रहा है वो भी नहीं कर पाता है और सही से व्यवहार नहीं कर पाता है। ठीक है, और दुश्चिंता का जो कारण होता है वो यही रहता है कि जो भी व्यक्ति है कुछ ऐसे कार्य या व्यवहार कर रहा है जिन्हें समाज जो है वो अपनी मान्यता नहीं कर देता है। तो इसी वजह से जो है व्यक्ति को डर रहता है कि भविष्य में यदि लोगों को इस चीज का पता चलेगा तो क्या होगा। तो यही डर, यही भय जो है वो क्या है, एंजाइटी है, दुश्चिंता है। और ऐसा जो व्यक्ति है तो हम देखते हैं कि उसके शरीर में जो है वो कंपकंपी जो है वो रहती है। ठीक है, कई बार जो है उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा तेज चलने लग जाती है, चक्कर तक आ जाते हैं, चेहरे पर देखते हैं तो पसीने आने लग जाते हैं कि हमारी जो पिछली बात है ये कहीं अब ना खुल जाए। ठीक है, कई बार जो है हम देखते हैं कि उस जो है बेहोशी की हालत में चक्कर खाकर वो गिर भी जाता है। तो जब अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति जो है चिंता का शिकार हो जाता है, जो अक्सर भविष्य को लेकर होती है कि भविष्य में जो हमारी जो विचार पीछे रह गए थे, जिनको हम भूल गए थे, वो अब जो है सामने यदि आ जाएं, जो कि समाज विरोधी है, समाज ने जिसको मान्यता नहीं दी है ऐसी बातों को, तो इन्हीं बातों को लेकर व्यक्ति जो है वो चिंतित हो जाता है। दुश्चिंतित व्यक्ति के लक्षण होते हैं भूख ना लगना, दस्त होना, हृदय गति का तेज होना, बेहोशी, चक्कर आना या पसीना आना। और देखिए दुश्चिंता जो है, एंजाइटी शब्द जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, फ्राइड ने किया था, ये आप ध्यान में रखें। फिर देखिए दबाव या स्ट्रेस, दबाव शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के स्ट्रेस से बना है और स्ट्रेस लेटिन भाषा के स्ट्रिक्टस शब्द से बना है जिसका अर्थ है कसना, यानी कि कोई भी कार्य हो रहा हो और जब कस दिया जाता है अच्छे तरीके से कि इस कार्य को जो है अब और भी अच्छे तरीके से ढंग से जो है वो करना है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहले अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है,
लेकिन अब दबाव की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसको अब कहा गया है, उसके ऊपर जो है प्रेशर है कि अगर उसने सही से काम नहीं किया तो मुझे डांट पड़ सकती है या मुझे जो है किसी भी तरीके से जो है वो पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए दबाव जो है वो सफलता और असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि क्रिकेट का मैच जो है चल रहा होता है, तो जिसमें हार की जब परिस्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति होने पर खिलाड़ी का जो है दबाव में आ जाना कि अब कोई भी कंडीशन कैसी भी कंडीशन है लेकिन हमें जो है वो जीतना ही है, तो ऐसी स्थिति में जो है दबाव महसूस करता है खिलाड़ी, खासकर कैप्टन। ठीक है, क्योंकि सारा भार कैप्टन पर आ जाता है, क्योंकि अब जो है टीम हारने वाली है, तो वह सभी खिलाड़ियों को कह देता है कि अब जो है हमें रन बनाने ही हैं या जो सामने टीम खेल रही है उसको हमें आउट करना ही है। तो वो स्थिति दबाव की स्थिति होती है। आधुनिक दबाव शोध के जनक कौन है? हैंस सैली। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप याद करें नोट में। दबाव के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक दबाव। ये वे दबाव हैं जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, जैसे कुंठा है और द्वंद है। ठीक है, कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेट, जो फ्रस्ट्रेशन होता है वही होती है, और द्वंद क्या होता है यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, जब हम इस दुविधा में होते हैं कि ये सही है या ये सही है। ठीक है, जब दोनों ही परिस्थितियां जो हैं वो हमारे अनुकूल हो और हमें ये तय करना हो कि हम जो है इसके साथ जाना चाहेंगे या इसके साथ जाना चाहेंगे, या इसके विपरीत भी स्थिति हो सकती है, यानी दोनों स्थिति जो है वो हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, लेकिन हमें एक चीज को चूज करना है, तब हम द्वंद्व का शिकार हो जाते हैं। दूसरा है दबाव का प्रकार सामाजिक दबाव। ये बाहरी दबाव होते हैं जो दूसरे लोगों के साथ हमारी अंतःक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या बीमारी है, तनावपूर्ण संबंध है या पड़ोसियों से परेशानी है, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है वो दबाव महसूस करता है। और तीसरा दबाव का जो प्रकार है वह है भौतिक या पर्यावरणीय दबाव। ऐसे दबाव हैं जिनके कारण हमारे शारीरिक दशा में परिवर्तन होता है। इनमें वायु प्रदूषण है, भीड़ है, शोर है, गर्मी, सर्दी, आग, भूकंप, बाढ़ आदि, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, फिर देखिए संघर्ष या द्वंद्व, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि जहां परिस्थिति ये होती है कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो ये मानसिक स्थिति संघर्ष या द्वंद्व के नाम से जानी जाती है। जब दो प्रतिकूल अवसर या दो अनुकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और हमें उनमें से एक का जो है चयन करना होता है, तो मस्तिष्क में द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो है कुर्ट लेविन का जो प्रकार है उसमें से पूछा भी जा चुका है। परिहार परिहार द्वंद्व सबसे पहला प्रकार। यहाँ पर स्थिति जो है वो दोनों प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जब व्यक्ति के जो मानसिक स्थिति है वहां पर संघर्ष या द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, तो कैसे, यानी कि जब हमें ये लगता है कि यहाँ कुआं है और यहाँ खाई है, लेकिन हमें किसी एक चीज को चूज करना है, दोनों ही हमारे विपरीत है। ठीक है, हमारी परिस्थिति जो है वो यहाँ पर कैसी है, प्रतिकूल है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो संघर्ष या द्वंद्व का शिकार हो जाता है। दूसरा प्रकार है उपागम परिहार द्वंद्व, यानी एक स्थिति अनुकूल है और एक जो है वो प्रतिकूल स्थिति है, तब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस ओर जाना है। ठीक है, तब भी स्थिति जो है वो व्यक्ति की यही रहती है कि जो है मन में द्वंद्व चल रहा होता है। तीसरा है उपागम उपागम द्वंद्व, दोनों अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी माइंड पर जो है वो परेशानी जो है वह आती है, संघर्ष चलता है हमारे दिमाग में कि दोनों ही चीज सही है। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब मार्केट जाते हैं और जब हमें कोई ड्रेस खरीदना होता है, तो जो दुकानदार होता है वो अच्छे से अच्छी ड्रेस जो है वो निकाल कर देता है। ठीक है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये वाली भी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है, अब हमें लेनी कौन सी है। ठीक है, यदि उसने नहीं दिखाई होती, ये अच्छी वाली ड्रेस नहीं दिखाई होती, जब तो सही रहता।
लेकिन अब जब उसने दिखा दी है दो अच्छी ड्रेसें, तो हमारे जो है मानसिक स्थिति पर ये संघर्ष चल रहा है कि इनमें से हमें कौन सी चूज करनी है। चौथा है बहुपागम या परिहार द्वंद, यानी एक से अधिक स्थितियां हो गई हैं और चुनाव हमें करना है, तब हमारी मानसिक स्थिति जो है वो संघर्ष या द्वंद का शिकार हो जाती है। ठीक है, जब 6-7 चीजें जो है वो हमें अच्छी लग रही हो एक ही जगह पर और हम उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें लेनी एक ही है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये जो प्रकार हैं संघर्ष या द्वंद्व के, तो यहाँ कुर्ट लेविन ने जो चार प्रकार बताए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, और इसी तरीके से ही पूछा गया है कि जब एक अनुकूल परिस्थिति है और एक प्रतिकूल परिस्थिति है, तो उस समय कौन सा संघर्ष या द्वंद्व होता है। ठीक है, तब आप आंसर जो है वो ये करेंगे, उपागम, परिहार, द्वंद्व। ठीक है, नेक्स्ट है भग्नाशा या कुंठा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कब उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है, जब वह अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी कार्य करता है और बार बार वो असफल हो जाता है, तो व्यक्ति जो है वो भग्नाशा या कुंठा का शिकार हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कंपटीशन की तैयारी जो है जो भी बच्चे करते हैं और एक साल तैयारी करते हैं वो असफल हो जाते हैं, दूसरी बार करते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं, तीसरी बार करते हैं उनको विश्वास होता है कि अब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इस बार भी यदि वो उनको असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो वह भग्नाशा या कुंठा का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जिससे बाहर लाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जोर पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपनी पिछली स्थितियों को नहीं भूल पाता है कि अब मैं अगर दोबारा से स्टार्ट हो जाऊं पढ़ाई करने के लिए, यदि इस बार भी मैं फेल हो गया, तो इस वजह से पुरानी असफलता के बाद जो है वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति की इच्छाएं या आवश्यकताओं के मार्ग में जो है वो बाधा उत्पन्न होने लग जाती है, तो व्यक्ति जो है संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, संवेगात्मक असंतुलनता जो है वही भग्नाशा या कुंठा होती है। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद जब व्यक्ति असफल होकर निराश हो जाता है तो उसे कुंठा या भग्नाशा कहा जाता है। जेम्स ट्रेवर का कहना है कि किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाना वही क्या है, कुंठा है। तो आजकल जो है वो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि संख्या जो है वह अधिक है बच्चों की और जो भी पोस्ट निकलती हैं वो कम होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जितनी भी पोस्ट हैं जॉब की, नौकरी की, वो तो उतनी ही रहेंगी। ठीक है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है, मेहनती बच्चे भी ज्यादा हैं, लेकिन सीट जितनी होंगी उतनी ही वो कवर हो पाएंगी, उतनी ही वो फिल होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पीछे रह जाता है वो इस भग्नाशा या कुंठा का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है सीवी गुड की, इच्छाओं और आवश्यकताओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने से, पैदा होने से और पैदा होने वाला संवेगात्मक असंतुलन, यही क्या है, भग्नाशा के नाम से जाना जाता है। गेट्स जो है इन्होंने भग्नाशा के संबंधित व्यक्ति जो होता है यह बताया कि इसके व्यवहार में जो है वो चार लक्षण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ये जो व्यक्ति होता है जो भग्नाशा का शिकार हो जाता है तो वो हमेशा जो है वो अकेला मिलेगा। ठीक है, अकेला जो है वो रहना पसंद करेगा, किसी से बात भी नहीं करेगा। और यहाँ पर व्यक्ति जो है, जो उसने इच्छाएं, जो उसकी आवश्यकताएं थी, वहां पर वो है अपने हथियार डाल देता है कि आगे उसे कुछ करना ही नहीं है। व्यक्ति जो है वो लड़ाकू हो जाता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का हो जाता है और व्यक्ति जो है वो मानसिक रोग जो है उससे भी पीड़ित तो हो जाता है। तो गेट्स ने भग्नाशा के दो प्रकार बताए, एक तो आंतरिक भग्नाशा जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया, इन्होंने भग्नाशा का सबसे बड़ा कारण जो है वो आंतरिक भग्नाशा को ही बताया। ठीक है, और बताया कि इसका कारण जो है वो मानसिक संघर्ष ही होता है, ये इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति जो है उसके अभाव में संवेगात्मक असंतुलन के कारण पैदा होता है। तो जिन बच्चों में इच्छा शक्ति की अभाव पाया जाता है, संकल्प शक्ति का अभाव पाया जाता है, मजबूती से जो है वो अपनी समस्याओं जो है उन
उनको पार करके या उनको दूर करके जो है वो आगे नहीं चलते हैं, तो वो अपने संवेगात्मक असंतुलन के कारण जो है वो भग्नाशा के शिकार हो जाते हैं। दूसरा प्रकार बताया इन्होंने बाहरी भग्नाशा का, जिसमें उचित वातावरण का अभाव, शारीरिक दोष हो सकता है, आर्थिक कमजोरी हो सकती है, यानी पैसों का अभाव जो है यदि हो और व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरा नहीं कर पाए, तब भी व्यक्ति जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। गेट्स और गुड्स ने भग्नाशा के निम्न कारण बताए, क्या कारण हो सकते हैं? इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। कोई भी शारीरिक दोष या रोग हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो बच्चे होते हैं वो भग्नाशा के या कुंठा के शिकार हो जाते हैं। असंगत आवश्यकताएं जो हैं उनका अधिक होना, उचित वातावरण का अभाव होना या कार्य करने में रुचि का अभाव होना, तो इस वजह से जो है वो भग्नाशा कुंठा का शिकार होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि भग्नाशा का जो मापन है वह रोजन वीग ने किया था, और भग्नाशा आक्रामकता परिकल्पना जो है वह डोलार्ड मिलर की है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है वो आपका कुसमायोजन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है विकार होते हैं कुसमायोजन के, लेकिन हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हैं जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं वो सभी जो हैं वो आपके लिए सही हैं, इतने ही आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे तो ध्यान से सुनिए। पूछा जा सकता है दबाव जो है उसके कितने प्रकार हैं, या पूछा जा सकता है कि दबाव के ये प्रकार हैं। सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक दबाव, दूसरा सामाजिक दबाव, तीसरा भौतिक दबाव, और चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमने ये सभी पढ़े हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है, सामाजिक दबाव भी होता है, और भौतिक या पर्यावरणीय दबाव भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका फोर्थ आंसर जो है वो सही होगा। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कुंठा, द्वंद्व ये किस प्रकार के दबाव के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तब आप कौन सा आंसर लगाएंगे? तब आप मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो सही लगाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो है उसका अलग पूछने का तरीका ऐसा भी होता है जो कि समझ पर आधारित होता है, जहां पर पूछ लिया जाए कि परिवार में किसी की मृत्यु, बीमारी या पड़ोसियों से परेशानी आदि सभी को किस प्रकार के दबाव के अंतर्गत आप शामिल करेंगे। और आधुनिक दबाव शोध के जनक कौन कहे जाते हैं? तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई, हैंस सेल्ले, तो आप उनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है, और इस तरीके से आप लोग जो है वो तैयारी जो है वो लगातार करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।